नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी हलचल, आपकी आवाज़। आइए हम आपको ले चलते हैं कान्हा गौ स्थल नजीबाबाद जलालाबाद, जहां पर उपजिलाधिकारी आज वहां पर पहुंचे हैं और गौशाला का औचक निरीक्षण कर रहे हैं। उनके साथ में कुछ किसान नेता भी वहां पर मौजूद हैं। उनकी समस्या है कि गांव में गौ खुली घूम रही हैं, उनको कुछ किया जाए। तो जिलाधिकारी ने साफ शब्दों में कहा कि 3 गौशाला और बन रही हैं, शीघ्र ही गौ वंश गांव में घूमता नज़र नहीं आएगा। जो भी घूमता नज़र आएगा उसको गौशाला में लाकर छोड़ दिया जाएगा। उपजिलाधिकारी ने गौ सेवा के लिए किसानों से मांग की कि भूसा या चारा जो भी हो उनके पास, वो वहाँ दान देने का कष्ट करें। बड़ी सख्ती से उसमें फिर कार्रवाई शुरू हुई, 2-3 दिन कर दिया गया। जो पशु छोड़ेंगे उनके खिलाफ FIR दर्ज कर दीजिए, ठीक जी। जोशी जी, हम लोग बड़ी 2-3 गौशाला बना रहे हैं। जैसे हम लोग वहाँ पे आपके कीरतपुर में सुना होगा, बहादुरपुर में बनी है, बहुत बड़ी। हाँ, वो 150-200 बीघे में बन रही है। उसमें हमारे दिगंबर जी चोरी साहब, दिगंबर जी तो कई बार वो मान के चलिए हम 15 दिन के अंदर शुरू कर देंगे। एक शेड पड़ गया, दो हम वहाँ पे कम से कम 500 पशु का अगर वो हमारी बन जाएगी, ठीक है, तो वो हमारा मान के चलिए ज़्यादा आवारा पशु तो नहीं पड़ जाएंगे उसके अंदर। दूसरी चीज़ हम नागर में बना रहे हैं, एक जालपुर को जोड़ बना रहे हैं। तो ये हमारी 2-3 गौशाला जो है इस महीने में पूरी हो जाएंगी। तो मान के चलिए कि आपको ऐसी समस्या आएगी नहीं, वाली बहादुरपुर वाली बनते ही कीरतपुर वाली, तो वो तो बहुत जल्दी काम शुरू होगा। जैसा सर, हमारा क्षेत्र ये आर्या का लेडीज महलपुर, इसको जो आवारा पशु घूम रहे तो हम पकड़ के कहाँ? अभी फिलहाल अभी यार थोड़ा सा पकड़ के ना करो, क्योंकि अभी गौशाला हमारी फूल है। जैसे यहाँ लेके आओगे यहाँ हो जाएगी। क्या चीज फिर आप बताओ, आप पकड़ तो ले आओगे, करने उनको कर क्या रहा है? वो उठा के उठा उधर 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 गौशाला 15-20 दिन में मान के चलिए बिल हमें बन जाएंगी, हम संचालित कर देंगे कीरतपुर वाली। तो हम उसको आपको खुद ही बता देंगे, जैसे पशु आप लोग होंगे ना, आप आ जाओ कीरतपुर वाली में आ जाके वीडियो साथ बात करके भी इनके 20 पशु में 10 पशु इधर से आ रहे हैं। क्योंकि हमारी गौशाला एक यहाँ पे आगे जाके ये गौशाला फुल हो गई, सब गौशाला फुल है हमारी। नहीं भाई, यहाँ बांध दो, नहीं वैसे देखा सफाई वफाई सब आपकी, नहीं यहाँ पे तो अच्छा अच्छा कर रहे हैं आप। समस्या तो यही भाई, सब समस्या है, तो बात सही है। समस्या तो छोड़ने वाले भी किसान, खाने किसान, नुकसान भी किसान का है। अभी तो सर बहुत बड़ी बड़े किसान, जैसे हमारे उधर मथुरापुर मोड़ की तरफ है, कोटद्वार रोड की तरफ है, वहाँ पे ज्यादातर अष्टा के हिसाब से गन्ना इधर ज्यादा हो जाता है, थोड़ी समस्या है। ये एक समस्या है जो यहाँ पे लोग डोनेट नहीं करते, महंगा हो जाता है भूसा। पिछले साल तो 1.5-2 हजार रुपए के क्विंटल था, 12.5 किस तरीके से इसका जन्म सब ये दो दिन से बैठे भी है। साहब वो कुछ नहीं हो रहा, हो जाती है थोड़ा बहुत जो आप समझ रहे स्थितियाँ ऐसी जैसे कि चारा बज्जा फालतू बज आप लोगों जी सर। आज हम लोग के द्वारा जो जलालाबाद में गौशाला है इसका मुआयना किया गया। हमारे काफ़ी किसान साथी भी आ रखे हैं, यहाँ पर उपस्थित हुए सभी लोगों के साथ में हम लोगों ने मुआयना किया है। तो यहाँ की व्यवस्थाएँ अच्छी हैं और हमारे जो किसान साथी हैं वो भी इस बारे में मोटिवेट हुए कि हम लोग भी इसके लिए गौशाला के लिए यहाँ पर काम करेंगे। कुछ ने चोकर देने को कहा है, भूसा देने को कहा है। ऐसे ही जन सहयोग की हम लोग अपील करते हैं सभी लोगों से कि जो क्षेत्र में जो संपन्न किसान हैं वो सब चीज़ें वो हमें भूसा कुछ दान करें और गौशाला जो संचालित करने में हम लोग मदद करें। बड़ा अच्छा लगा यहाँ पे ये सब आप लोग किसान भाई हम लोग के साथ में आए हैं और इन्होंने अपनी तरफ से खुद ही से स्वेच्छा से इस काम के लिए आगे बढ़ के आए हैं। ये बड़ा अच्छा सराहनीय काम है आप लोगों का। गौशाला के लिए ये वाला फोटो देखिए, मैं शाहबुद्दीन राय नगर अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक। माननीय मुख्यमंत्री के आदेश और हमारे चौधरी दिगंबर सिंह के प्रयासों से जो गौशाला का निरीक्षण आज हमने किया, काफ़ी अच्छा लगा। यहाँ साफ सफाई के मामले में भी देखे हमने और हमारे एग्जाम सर भी यहाँ मौजूद हैं, मैं उन्हें बधाई देता हूँ इस बात के लिए कि उन्होंने इतना अच्छा गौशाला का मामला कर रखा है। हमारी गाय सब सुरक्षित हैं, सब कुछ है, खाना वाना जो भूसा वगैरह है इनका, हरा चारा
सब पर्याप्त मात्रा में यहाँ उपस्थित हैं। मैं अपनी तरफ से यहाँ 5 चोकर की बोरी दे रहा हूँ। कब तक आ जाएंगे? अभी जस्ट अभी भेजता हूँ अपनी गाड़ी से।